बुखारी साहब, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का बरी होने के बाद क्या ख्याल था, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। इसने माना, इकबाल ने जुर्म किया, ये नियाजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है मेरी, लाखों पाउंड उसके अंदर है और बनी गाला के लिए चार चार दफा इसने किससे बदले अपने, वो सब कुछ मान रहा है। ये कहते नहीं इमरान बेटा, न तुम नहीं हो जी। बुखारी साहब, यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली नवाज शरीफ साहब की बात का जवाब ना दें, लेकिन उनका सर, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट था, मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ। नहीं मैं बेटा, मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ। आई नो यू, 100% जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये, नवाज शरीफ पागल हो गया क्या मुआवजना कर रहा है अपने केस का इमरान खान के साथ? व्हाट इज द केस अगेंस्ट हिम? आपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदी हैं जिसका आप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थे उस वक्त, यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट जी। उसके लिए नायब रेफरेंस की तरफ इशारा किया कोर्ट ने। आपके बेटे जो हैं, आपके बेटे हैं आप, दूसरी चीज के लिए भी कोर्ट की तरफ इशारा किया। 99 में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मां से आपकी बात काट रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब देना होगा नवाज शरीफ साहब ने, नियाजी साहब से, क्योंकि देखिए सर, डिस्क्वालीफाई उनको इसलिए किया कि आप मानते हो आप इस चेयरमैन थे इस कैपिटल एफजेडी के, लिहाजा ये आपकी तनख्वाह जो आपने ली नहीं उसके ऊपर हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। जिस डिस्क्रेपेंसी पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो डिस्क्रेपेंसी इमरान खान साहब की भी थी। सुने नहीं, कोई एक टके की, मेरे बेटे एक, मेरे बेटो एक टके की डिस्क्रेपेंसी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है कि उसने मुल्क से पैसे लिए निकाले। वो 19 साल का था नवाज शरीफ को भी इस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया। बूस्टर शहर की तरफ से क्रिकेट खेलने से, वी हैव बीन थ्रू ऑल दैट, वी हैव बीन थ्रू एवरी मनी हैज बीन अकाउंटेड फॉर।